जय श्री कृष्णा। स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है समाज ज्ञान। इसके बारे में हम पहले भी अगले जो दो वीडियो थे उसमें हम बात कर चुके हैं। तब हमने समाज की उत्पत्ति, उसके शाब्दिक अर्थ, परिभाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने समास और समास के भेद के बारे में और अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक वही होगा, ये समास की तृतीय क्लास है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास की परिभाषा को पढ़ेंगे और इसके जो उपभेद हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर तत्पुरुष समास में जितने भी हमारे समास विग्रह चलेंगे, जितनी विभक्तियाँ चलेंगी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा पर। प्रायेण प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समासः। इसका अर्थ होता है समास का जिस समास का उत्तर पदार्थ यानी कि बाद वाला पद। इससे पहले हमने अव्ययीभाव में प्रथम पद को प्रधान किया था, लेकिन अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पहले पद को प्रधान न करके दूसरे पद को प्रधान करेंगे। तो जिस समास का बाद वाला यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है वही समास तत्पुरुष समास कहलाता है। देखते हैं इसका अर्थ लिख करके। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये हुई हमारी तत्पुरुष समास की परिभाषा। अब इसके प्रकार पर चलते हैं, ये इसके भेद पर चलते हैं। तो इसके जो भेद हैं तत्पुरुष समास के, दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्याधिकरण। तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अभी समानाधिकरण क्या है, व्याधिकरण क्या है? तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारा कर्मधारय समास आता है, जो मैंने आपको उस दिन चार्ट बनाकर बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो उस चार्ट के अंतर्गत मैंने आपको तत्पुरुष समास के दो भेद बताए थे, एक कर्मधारय, दूसरा द्विगु। तो दरअसल वो क्या है कि तत्पुरुष समास के भेद तो दो हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। लेकिन इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारा कर्मधारय समास आता है और इस कर्मधारय समास का एक उपभेद होता है जिसके अंतर्गत हमारा द्विगु समास आता है। ठीक है, तो और जो
व्याधिकरण तत्पुरुष समास से, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारी 2 से लेकर के 7 तक के यानी कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की सभी कारक विभक्ति आती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, केवल हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और संबोधन को छोड़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी आने वाली क्या है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की कारक विभक्ति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के 2 भेद, समानाधिकरण व्याधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का एक भेद है, वो है कर्मधारय, और इस कर्मधारय समास का भी एक उपभेद है जो है हमारा द्विगु समास। और यहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो है उसके अंतर्गत हम 2 से लेकर के 7 तक की कारक विभक्तियाँ पढ़ेंगे। तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की जो हमारी कारक विभक्तियाँ है वो सारी तत्पुरुष समास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जानते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको द्वितीया विभक्ति के बारे में बताती हूँ। द्वितीया विभक्ति यानी कि इसमें हमारा जो कारक चिन्ह होता है वो हिंदी में को होता है, यानी कि कर्ता ने कर्म को। इसके अंतर्गत हम कर्म कारक से रिलेटेड उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें कर्म हमारा महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हम वही समास विग्रह करेंगे। द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। देखते हैं हमारा वही समास। विग्रह सॉरी यहाँ पर समस पद देखेंगे। पहले हम समस पद, विग्रह पद। तो समस पद में हमारे पास यहाँ पर शब्द है कृष्णम आश्रित, कृष्ण को आश्रित, इसको हम मिला करके लिखते हैं यहाँ पर कृष्णाश्रित। कोई कृष्ण है वो केवल कृष्ण भगवान, कोई व्यक्ति है वो केवल कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, उसी को अपनी श्रद्धा अर्पित करता है, उसी को आश्रित होता है। अब इसको हमें तोड़ना है, तो हम इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, किस प्रकार से इसका विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है किसमें, आगे वाले पद में, क्योंकि पीछे वाला पद तो केवल इसका बोध करा रहा है, इसको महत्वपूर्णता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो कृष्ण में हमने द्वितीय विभक्ति लगाई, तो कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी कृष्णम। जैसे राम की रामम हुई थी द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर कृष्ण की हो गई कृष्णम। तो हमने यहाँ पर लिखा कृष्णम, और पीछे वाले शब्द को हम इसी प्रकार से लेके आ जाएंगे यहाँ पर आश्रित। इसमें हमारा कौन सा तत्पुरुष समास हुआ, इसका नाम है द्वितीया तत्पुरुष समास, ये हमारे समास का नाम हो गया। दूसरा देखते हैं ग्रामगत। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसका हिंदी जो अनुवाद होगा वो होगा ग्रामम गत, सॉरी गांव को गया, गांव को गया। अब गांव को के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कृष्ण शब्द का हमने द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लिया कृष्णम, उसी प्रकार से ग्राम शब्द की भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा ग्रामम। जैसे कृष्ण का कृष्णम बना, उसी प्रकार से ग्राम का बनेगा ग्रामम, और गतः को हम वैसा का वैसा लेके आ जाएंगे गतः, और समास का नाम इसमें भी हमारा सेम वो का वही रहेगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। बात करते हैं हम अब इसके बाद तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत जो हमारा कारक चिन्ह है वो से आता है, लेकिन ये से किसी साधन के लिए हम प्रयुक्त करते हैं।
अलग होने के अर्थ में नहीं आएगा ये, अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अभी जो साधन, जैसे अभी मेरे हाथ में ये कलम है और ये कलम मेरे हाथ में है, इसी से मैं लिख रही हूँ, तो मैं कलम से लिखती हूँ। और अगर मैंने इस ढक्कन को कलम से अलग कर दिया तो ये ढक्कन जो है इस कलम की जो कैप है वो इससे अलग हो गई है। तो अलग होने के अर्थ में हम पृथक का यूज़ करेंगे, पंचमी विभक्ति का यूज़ करेंगे। और जब हम किसी चीज़ से लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ हमें स्पर्श कर रही है, तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखते हैं यहाँ पर इसके एग्जांपल उदाहरण, वही हमारा समस्त पद होगा। हरिणा त्रातः, हरी से रक्षा, सॉरी, दूसरा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, इससे भी इजी। हस्त लिखिता, हाथ से लिखा हुआ। अब जो लिखा है तो हाथ तो अलग नहीं हुआ ना, लिखते समय हाथ से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम हस्त शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राम की तृतीय विभक्ति राम में होती है, वैसे हम हस्त शब्द की तृतीय विभक्ति हस्तेन प्रयोग करेंगे, हस्तेन का। तो हस्तेन लिखितम, हाथ से लिखा हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास हस्तेन लिखितम, हमने जो इसका विग्रह किया है उस विग्रह के अंतर्गत हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमारे समास का नाम क्या हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास। अगला हम देखते हैं, इसके और भी कुछ हैं, धन एक शब्द है, धान्यार्थ, इसका बनेगा धान्य की तृतीय विभक्ति, धान्येन कर दो यहां पर, धान्येन अर्थः। यहां पर भी सेम प्रोसेस चलेगा हमारा, तृतीय तत्पुरुष समास। इसके बाद हम चतुर्थी विभक्ति की तरफ चलते हैं, जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए। अगर हमने कोई कार्य किया है तो वो कार्य किसी न किसी के लिए तो किया ही होगा, तो उसके लिए हम हिंदी में जब कारक पढ़ते हैं तो हम के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। और उस के लिए हमारे संस्कृत में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा देखेंगे हम, गोहितम। सपोज कीजिए कि किसी ने कोई गौशाला बनाई है, अब गौशाला किसी एक गाय के हित के लिए तो नहीं है, बहुत सारी गायों के हित के लिए, लेकिन हित के लिए है, तो यहाँ पर शब्द आया हमारे पास गायों के हित के लिए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर चतुर्थी भक्ति के रूप में देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास गायें बहुत सारी है, तो हम इसका बहुवचन यूज़ करेंगे। तो गाय शब्द की जो चतुर्थी भक्ति का बहुवचन होगा वो गो की जगह गोभी हो जाएगा, और पीछे वाला जो हमारा शब्द है वो सेम वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर हमें विभक्ति का प्रयोग पहले पद में करना है, दूसरे पद का प्रधान होने का मतलब ये है कि ये पद यहाँ पर पीछे वाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने गो की चतुर्थी विभक्ति गो भी कर दी और हमारा शब्द बना यहाँ पर हितम। ऐसे ही गो सुखम, गायों के सुख के लिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गो की चतुर्थी विभक्ति गोभी का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारी गायों की बात कर रहे हैं इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुवचन का यूज किया है। बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति की, और पंचमी विभक्ति के अंतर्गत जब हमने कोई कार्य किया है या किसी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब हमारी पृथक हो जाती है तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखेंगे इसके भी हम उदाहरण, चोर भयम, ये इसका पहला एग्जांपल है, पहला उदाहरण है चोर भयम।
अब चोर हमारे पास यहाँ पर अलग शब्द है, अलग व्यक्ति है और उससे उत्पन्न भय अलग है, यानी कि चोर है कोई दूसरा और उसको देख करके हमें भय हो रहा है, उससे डर सा लग रहा है। तो चोर से डर, चोर से भय, चोर अलग है, भय चीज यहाँ पर अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चोर एक ही चोर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले पद में पंचमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे राम शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामात, वैसे ही यहाँ पर हम चोर की पंचमी विभक्ति एक वचन बनाएंगे चोराद, और भय शब्द हमारे पास वैसा का वैसा रहेगा, भयम का भयम लिखेंगे हम यहाँ पर। और इसके अंतर्गत हमारा जो प्रयुक्त होने वाला जो समास है वो कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष समास। ये हुई हमारी पंचमी विभक्ति, ये हमारा तत्पुरुष और ये हमारा समास। अगला शब्द है हमारे पास सिंह भयम, शेर से भय। शेर को देखा और शेर को देखते ही डर हो लगने लगा, तो शेर अलग है और शेर से उत्पन्न डर अलग है, दोनों में दूरी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सिंह शब्द की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और इसकी पंचमी विभक्ति बनेगी सिंहात, और भयम शब्द को हम सेम वैसा का वैसा लिखेंगे, और यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोसेस चलेगा, पंचमी तत्पुरुष समास। अब षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग करते हैं वो संबंध दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति में हम संबंध दर्शाते हैं एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। इसके लिए हिंदी में कारक विभक्तियों का कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, का के की, इसको हम यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। पहला है हमारा राज पुरुष, राज पुरुष यानी कि राजा का कोई व्यक्ति, राज दरबार में रहने वाला राजा का कोई व्यक्ति, राजा का वो गुप्तचर भी हो सकता है, उसका सलाहकार भी हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने संयुक्त पद में समस पद में ये संयुक्त पद में हमने शब्द को यूज किया है, राज पुरुष। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका हिंदी निकालेंगे, तो हिंदी बनेगा राजा का पुरुष, किसका पुरुष, राजा का। तो राजा के अंदर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो षष्ठी विभक्ति राजा शब्द की होती है राज्ञः, तो हमने यहाँ पे राज शब्द की षष्ठी विभक्ति राज्ञः कर ली है, और पुरुष शब्द हम सेम इसमें वैसा का वैसा ही लिखेंगे, हमारा शब्द बना राज्ञः पुरुषः। इसमें हमारा जो समास हुआ वो हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं राजसिंहासन, राजसिंहासनम, राजा का सिंहासन, राजा के बैठने का तख्त। तो वही राज शब्द की हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो ये शब्द हमारा बन जाएगा राज्ञः, यानी कि राजा शब्द की जो षष्ठी विभक्ति में एक वचन रूप चलता है वो राज्ञ चलता है। सिंहासन शब्द को हम वैसा का वैसा लिख देंगे सिंहासनम, और हमारा शब्द बना यहाँ पर राज्ञः सिंहासनम। अब इसके अंतर्गत जो हमारी विभक्ति है वो, सॉरी, जो हमारा इसका नाम है समास का नाम, तो वो हमारा सेम रहेगा षष्ठी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह हिंदी में आप सबको पता ही होगा, मैं पे पर, या तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो या एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, तो हम षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण, जलमग्नः, अच्छा मछलियाँ देखिए वो जल में कितने अच्छे से जल क्रीड़ा करती है, वो जल में मग्न रहती है, तो जल में मग्न रहने वाली किस में, जल में। तो जल में के लिए हम जैसे वहाँ पर राम में, तो उसके लिए हम सप्तमी विभक्ति का एकवचन रूप का प्रयोग करते हैं रामे,
इसी प्रकार से हम जल शब्द की जो सप्तमी विभक्ति एकवचन का यूज करेंगे तो यहाँ पर जल की जगह जले हो जाएगा, राम की जगह वहां रामे होता है तो यहाँ पर जल की जगह सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, जले, जले मग्न, जल में मग्न रहने वाली। इसमें जो हमारा समास का नाम है वो है सप्तमी तत्पुरुष समास। एक शब्द है अक्षशोंडह। अक्षशोंड का मतलब होता है जुए में पासे फेंकना, किसमें, जुए में, अक्ष का मतलब जुआ, शोंड यानी कि फेंकना पासे, तो जुए में पासे फेंकना। अब पासों की संख्या बहुत सारी होती है, वो एक वचन द्विवचन में ना होकर के हमारे लिए यहाँ पर बहुवचन में है, तो जैसे राम शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है रामेशु, वैसे हम यहाँ पर अक्ष शब्द की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हमारे पास शब्द बनेगा अक्षेशु शोंडह। तो हमारे पास शब्द बना यहाँ पर सप्तमी, सॉरी जो इसका समास का नाम है वो होगा सप्तमी तत्पुरुष समास, सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो ये थे आज का हमारा तत्पुरुष समास, आप सब उतार लीजिए।